नमस्कार दोस्तों, आज 7 मई 2022 दिन शनिवार। दोस्तों जान लेते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में कितनी लहसुन की गाड़ियाँ हैं, जान लेंगे जो स्पेशल लहसुन के बेचने वाले जितेंद्र खुराना जी हैं। देखो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं जो अपने मध्य प्रदेश के राजस्थान के दोस्त हैं उनको दिखाना चाहता हूँ। ये होता है वो जो अपना हिमाचल का लहसुन बोलते हैं, ये प्याज से भी बड़ी क्वालिटी है। जैसे सफ़ेद प्याज होता है मोटा बम्पर साइज का, इस क्वालिटी को बोलते हैं हिमाचल वाला, और ये आपके राजस्थान के मध्य प्रदेश के लहसुन है। देखो इसकी क्वालिटी, देखो ये अंदर से कैसा होता है, ये इसकी एक कली है, एक कली लहसुन का। ये अंदर से मैंने छीला एक लहसुन और इसका साइज देखो कितना बड़ा, हिमाचल क्वालिटी। और ये है समझ लो कि जो अपने राजस्थान के मध्य प्रदेश के, यानी ये एक लहसुन पूरा और इसकी एक कली, ये बराबर होती है, ये सीड होता है। यदि आपको ये लगा के देख लेना चाहिए, जो ये हो जाए तो आपके इलाकों में तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। चलिए जानते हैं आज का दिल्ली आजादपुर मंडी में लहसुन का क्या कुछ बाजार खुला, मंडी में कितना लहसुन आया। सर जी नमस्कार जी। सर जी आज का क्या कुछ बाजार चला जी, कितना लहसुन आया जी, मंडी में कितनी गाड़ी है जी? सर आज वही 12 गाड़ी है। हाँ जी हाँ जी, टोटल 12 गाड़ी, इसमें हिमाचल भी आ जाता है जी? हिमाचल भी आ गया, 3 गाड़ी हिमाचल था। हाँ जी। और 3 गाड़ी एमपी थी, 4 गाड़ी छिपाबड़ोत थी। हाँ जी। ऐसे करके है। अच्छा, 2-3 गाड़ी किसानी थी। हाँ जी। यूपी तो सबसे पहले पंजाब के कमेंट आ रहे जी, पंजाब वाले लहसुन का रेट बताओ जी क्या चल रहा जी? देखिए पंजाब का माल जो चल रहा है 5 रुपए से 10 रुपए गोली। हाँ जी। और जो लाड़वा है वो चल रहा है 18 से 20-22। हाँ जी। और जो मोटे माल है वो चल रहे हैं जी 30 रुपए से लेके 35 रुपए। यानी ये जो लाल जाली में आता है पंजाबी? बिल्कुल लाल जाली में। हाँ जी। जैसे ये पड़ा हुआ है ये पंजाब का माल है। हाँ जी। ये हमने 15 रुपए का बेचा था। अच्छा जी जी। अच्छा जी, यानी पंजाब की ये पोजीशन है आज की जी? जी। अच्छा जी, रोज की मार्केट में और आज में कोई डिफरेंस है जी, जैसे डबल मंडी है? देखो जी इतना नहीं, थोड़ी बहुत बिक्री खुली है और अच्छे माल कम हो गए आने। हाँ जी। आवकों में ना जैसे आज 12 गाड़ी है लेकिन इसमें अच्छा माल कम है। अच्छा। और यही चीज़ मैं हर इंटरव्यू में बोल रहा हूँ कि किसानों को घबराना नहीं चाहिए, अच्छा माल थोड़ा रोक के चलें, हल्का माल बेच लें। हाँ जी। देखें पिछले इंटरव्यू में भी मैंने बोला था जब सब घबराए हुए थे। हाँ जी। आज से महीना पहले वाला इंटरव्यू अगर आप मेरा देख लें जिसमें सब घबराए हुए थे कि लहसुन फिक जाएगी, लहसुन ही हो जाएगी, आज महीने बाद हाँ जी 5-5 रुपए हर जगह भाव सुधरे हुए हैं। हाँ जी। अच्छे मालों में तो आप लोग थोड़ा बारिश तक का इंतजार करो, मालों में सुधार भाव में आएगा ही आएगा। हाँ जी जी। तो आज का जो अपना ये राजस्थान वाले हैं जी, ये किसानी माल हैं जी? ये राजस्थान है, एमपी है, एमपी है, एमपी के जी जी। इनका क्या बाजार चला जी? एमपी साहब ये वाला लाट जो था ये 12-13 रुपए 15 रुपए तक है, ये ढेरी बनी हुई है माल ये पड़ा। अच्छा जी जी। और जो लड्डू टाइप माल है हाँ जी, वो समझो ये वाले जैसे ये दिखाएं। हाँ जी। ये लड्डू है। हाँ जी। ये लाड़वे टाइप माल 18-20 रुपए। हाँ जी। मोटे माल जो है वो समझो 30-35 रुपए है। ये मध्य प्रदेश के जी? जी। अच्छा जी। और जो मध्य प्रदेश में ऊटी के माल है जी वो अच्छे वाले? सर ऊटी जो है ना वो नीचे में 20 रुपए, ऊपर में 70 रुपए तक है। ये अपना मध्य प्रदेश एम पी का? अच्छा जी। उसमें जो डब्बों में माल आ रहा है 60-70 रुपए बिक रहा है। हाँ जी। और जो कट्टों में माल आ रहा है 20-30 से लेके चालू हो जाता है। हाँ, क्वालिटी के हिसाब से। अच्छा जी। लेकिन जो ऊटी लेगा वो पहले हिमाचल उठाएगा। हाँ जी। आप समझे, हिमाचल ये माल हम 70-75 रुपए के बेच रहे हैं। अच्छा जी। तो हिमाचल में इससे बढ़िया बड़ा भी साइज आता है जी? मेरे पास आज सुबह था, मैंने 90 रुपए का लहसुन बेचा है। 90 रुपए आज हिमाचल वाला गया? हाँ जी हाँ जी। उसमें और इस क्वालिटी में क्या डिफरेंस है जी? ये क्या रेट, ये किस राज्य का रेट का जी? ये 70 रुपए बिकेगा जी। हाँ जी। और ये थोड़ा लालपन पे है, जड़े हैं। हाँ जी। ये अगर ये हाँ अगर ये ही व्हाइट माल होता और हल्का सा सूखेपन पे होता तो ये 80 रुपए तक चला जाता। अच्छा। और जी। जो मैंने 90 का बेचा वो एकदम बोल्ड वाइट माल था। हाँ जी। 10 कट्टे का लाट था, वो 90 रुपए का बिका। अच्छा, उसको लोकली वाले उठा रहे जी यहाँ पर? हाँ, सब ग्राहक अच्छे माल का हर तरह का ग्राहक है। हाँ जी। और इसलिए बिल्कुल भी होपलेस ना हो, मैं किसानों को यही सलाह दे रहा हूँ, मद्दा है। हाँ जी। फाइनल दिख रहा है मद्दा है। हाँ जी। लेकिन इतना भी नहीं है कि घबरा के हम माल फेंक दें। हाँ जी। जो डैमेज माल है, हल्के माल है, आप वो बेच दो, अच्छे माल थोड़ा सा रुक के चलो, थोड़ा थोड़ा लागत के हिसाब से। ये भी हिमाचली है जी? ये भी हिमाचल है जी, ये बी ग्रेड है।
हाँ जी, इसका क्या बाजार चला जी? ये चला जी 50 से लेके 55 रुपए। 50 से 55 रुपए। और इसका गोली भी आता है जी? ये बड़ी गोली, ये हिमाचल वाली जी? हाँ जी, ये 30-35 क्वालिटी के हिसाब से। अच्छा जी, हाँ जी। तो हिमाचल की कितनी गाड़ियां बता रहे जी आप? छोटी आ रही है गाड़ियां बड़ी? ये सब 100-100 कट्टे वाली गाड़ियां, 3 गाड़ियां पिकअप जी? हाँ, 3 गाड़ी ये थी। हाँ जी, 1 गाड़ी पंजाब की थी, 2 गाड़ी यूपी की थी। हाँ जी, 3 गाड़ी अपनी एमपी की थी। हाँ जी जी, तो कुल मिला के बिक्री सेमी पोजीशन वाली चल रही जी, बस समझ लो थोड़ा बहुत सुधार लगा, थोड़ा बहुत 21 पन है। अच्छा जी, माल अच्छे माल कम हुए हैं, तो उम्मीद है अगला हफ्ता थोड़ा ठीक जाना चाहिए। हाँ जी हाँ, और जो अभी किसान किसानों का माल सरकार लेने की अभी पीछे चली थी, हाँ जी, आपने खबर सुनी होगी, जो हमारे स्पीकर हैं लोकसभा के ओम बिरला जी, हाँ जी, हाँ, उन्होंने जी बोला था कि हम लहसुन खरीदेंगे किसानों का। हाँ जी, तो अगर ऐसी कोई सरकार ऐसी कोई कोशिश करती है तो स्वाभाविक है किसानों को बचने का रास्ता मिल जाएगा। हाँ जी, तो मैं हर बार यही बोलता हूँ हर किसान को कि आप लोग पीएमओ को ट्वीट करें, पीएमओ पे अपने मेल्स भेजें कि भाई हमारा लहसुन इस भाव इस दुर्दशा में है, हमारी ये दुर्दशा हो रही है, तो उससे कुछ तो किसान सरकार ध्यान देगी। सरकार के अगर सरकार का थोड़ा सा भी ध्यान हम लोगों की तरफ आता है तो मैं समझता हूँ 10-15 रुपये किलो बढ़ना स्वाभाविक है। सर जी, जो सोमवार आएगा मंडी खुलेगी, इसमें हिमाचल की जो क्वालिटी है अब ये बढ़ती चली जाएगी अराइवल हिमाचल की? अराइवल बढ़ेंगी जी, जरूर बढ़ेंगी, अराइवल बढ़ेंगी और उसकी डिमांड भी है हिमाचल वाले की, बिल्कुल डिमांड है। अच्छा जी, हिमाचल का नहीं, आज 90 रुपये का भी है और ये जैसा माल है ये 70 रुपये। लाल बन पे है, मोटा है, लेकिन थोड़ी सी लाल पत्ती दूर से देखने में प्याज लगता है जी, इतना मोटा व्हाइट प्याज नहीं लहसुन है जी। हाँ जी, अभी इसकी आप जो दिखा देते हैं ये कली आप ऐसे दिखाएं, ये देखें ये एक एक जवा है। हाँ जी, जिसका एक जवा इतना मोटा है। हाँ जी, आप देखें कि कितना बढ़िया लहसुन दिख रहा है। हाँ जी, बाकी जी क्वालिटी है जी। हाँ, एक जवा इस, ये इसीलिए इसकी खासी, इसकी डिमांड इतनी रहती है, एक एक जवा इतना मोटा है। वैसे कोशिश करके देखनी चाहिए जी मध्य प्रदेश के राजस्थान के किसानों को, शायद ये हो जाए यहाँ पर। नहीं नहीं, ये पहले भी बहुत, मेरे को तो 35 साल हो गए लहसुन का व्यापार करते हुए। हाँ जी, तो आज से 15 साल पहले भी ये वाली कोशिश हुई थी। हाँ जी, लेकिन वो चला नहीं, क्योंकि ये पहाड़ी इलाकों में अच्छे से हो जाएगा, मैदानी इलाकों में नहीं होगा। हाँ जी हाँ, तो हमारी जो एमपी की मिट्टी है और ये अपनी ये रेत वाली मिट्टी है। हाँ जी, तो इधर नहीं हो पाएगा, बेकार में भले मंगवाओ आप। हाँ, लेकिन वो वेस्टेज है। अच्छा जी, आप वेस्ट करेंगे। धन्यवाद सर जी जानकारी देने। धन्यवाद जी। दोस्तों, ये इनकी दुकान का एड्रेस है, इनका एक कॉन्टैक्ट नंबर है, इनका 12 महीने लहसुन का ही काम है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।